ये क्या कहलाएगा? होम ब्रांच। एक होता है एफएमबी होम मेकिंग ब्रांच और एक होता है एफबीएनयू होम ब्रांच। दोनों एक ही है, होम मेकिंग ब्रांच होम बनाएगी और होम ब्रांच क्या करेगी? होम बनाएगी। अब इसमें ये आपकी है होम ब्रांच। अब उसमें आपको बताया था कि ब्रांच कोई सी रहती है जो नोजल रहेगी उसमें आपका इनलेटर। इनलेटर कौन सी कंपनी आएगी? मेल कंपनी। 63 mm स्टेडियम यस मेल कंपनी। या क्या इनलेट? अब होम ब्रांच तो होम किसे मिलकर बनता है? होम तीन चीज से मिलकर बनता है, पानी हवा और होम कंपाउंड। तीन चीज से मिलकर बनेगा, पानी हवा और होम कंपाउंड। अब इसमें एक साइड से तो क्या होगा, इसीलिए अलग प्रकार के ब्रांच लगाते हैं होम के लिए, क्योंकि उसमें आपको पानी मिलाना है, होम कंपाउंड को मिलाना है और उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, इसको हवा की भी आवश्यकता होती है, तब जाके क्या करता है आपका होम या झाग बनता है। होम झाग बिल्कुल एक ही चीज इनलेट हो गया। अब ये क्या इसको बोलते हैं कपलिंग, पिकअप ट्यूब कनेक्शन कपलिंग। इसमें अपन क्या करेंगे, ये कहलाएगी आपकी पिकअप ट्यूब, यानी कि पानी को या होम कंपाउंड को। अब ये अपन होम ब्रांच के लिए लगा रहे हैं, ये किसको करेगी? होम कंपाउंड का सेक्शन करेगी, यानी होम कंपाउंड को खींचने के लिए होम कंपाउंड का सेक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं पिकअप ट्यूब। ये कहलाएगी आपकी पिकअप ट्यूब आ गई। ये चीज जोड़ने के लिए क्या है? कपलिंग। अब इसमें कपलिंग में अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार जोड़ देंगे। ठीक है, अब इधर पर क्या करेंगे, इसमें डिलीवरी बेल जोड़ दिया, ये कपलिंग आ गई, ये आता है इसको पकड़ने के लिए। अब इसमें देखो छेद बन रहे हैं, ये छेद है होल, तो इसको क्या करते हैं, ये आते हैं होम कंपाउंड पानी, होम कंपाउंड यहां से मिक्स होगा और यहां से क्या होगा हवा ले। तीन चीज की आवश्यकता थी, इधर से पानी आ रहा है, यहां से वो क्या करेगा होम कंपाउंड का सेक्शन करेगा और यहां से वो हवा लेने के बाद में अपने को आगे क्या होगा होम मिलेगा। ठीक है, अब इसमें होम ब्रांच है, अब इसमें क्या करते हैं तीन भाग होते हैं, वाटर हेड जहां से उसमें पानी आता है, जहां तक पानी रहेगा चले जाएगा वाटर हेड। एक आता है मिक्सिंग चेंबर, मिक्सिंग चेंबर का मतलब क्या हो गया, पानी हवा और होम कंपाउंड तीनों क्या करेगी मिक्स होगी। तो इसमें यहां से यहां तक क्या होगा आपका मिक्सिंग चेंबर, यानी इस एरिया के अंदर क्या होगा पानी हवा और होम कंपाउंड तीनों आपस में क्या करेगी मिल जाएगी और ये क्या हो जाएगा आउटलेट डिस्चार्ज टू पोर्ट, डिस्चार्ज टू इसमें से क्या करेगा आपका पानी। अब ये इसके क्या करेंगे रिंग लगा रखिए ताकि इसका आगे का सहज हो गया हो क्षतिग्रस्त ना हो टूटे नहीं या नुकसान ना, क्योंकि यहाँ से अगर आपका खरोच वगैरह आती है उसका जो पानी जो आपका जाता है जेट वगैरह जाता है वो क्या करता है आपका साइड में पड़ता है। तो इसको बोलते हैं अपन फॉर्म ब्रांच। फॉर्म बनाने के लिए एफ एम बी होम मेकिंग ब्रांच, एफ एम बी होम ब्रांच।